नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। आपके साथ हूं मैं ज्योति वर्मा, खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दो दिन पूर्व हुई एक 15 महीने के बच्चे की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल है। पुलिस द्वारा बताया गया कि 15 महीने की मासूम की मौत के पीछे उसकी सगी चाची का ही हाथ था। 15 महीने के मासूम बच्चे की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि सगी चाची ने ही अपने तीन साथियों की मदद से इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल बढ़ापुर थाने के ग्राम कुंजेटा के निवासी शमीम अहमद ने 5 अप्रैल को बढ़ापुर थाने में अपने 15 माह के पुत्र अबूजर के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। काफी तलाशने के बाद भी जब अबूजर का कोई पता नहीं चला, तब 7 अप्रैल को मासूम अबूजर का शव पास ही के जंगल में बोरी में पड़ा मिला था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए बच्चे की चाची फरहाना को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो फरहाना ने बताया कि उसने अपनी दो सहेलियों गुंडो रेशर उनके भाई वसीम के साथ मिलकर पहले तो मासूम अबूजर का अपहरण किया और बाद में उसी रात गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या की वजह के बारे में उसने पुलिस को बताया कि वो नहीं चाहती थी कि प्रॉपर्टी का आगे चलकर बंटवारा हो, वो सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों लड़कों के लिए ही चाहती थी, इसलिए उसने अपने जेठ शमीम अहमद के बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें थाना बड़ापुर के क्षेत्र में शमीम अहमद हैं। उन्होंने थाना पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उनका 15 माह का बेटा जो है और वो गायब है और उन्होंने इसकी हत्या की आशंका जताई। इस संबंध में उन्होंने अपने गांव की ही जो है गुड्डू और रोशन नाम की दो युवतियों पर शक भी किया कि इन्होंने ही इसका जो है अपहरण करके और इनको ही जानकारी है। इसके बाद इस संबंध में थाना पुलिस से रिपोर्ट होने के बाद पुलिस ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए खोजबीन शुरू की और 7 तारीख की सवेरे इस बच्चे का शव उस गांव के ही जंगल में मिला, जिसकी जो है वो सर पे कोई भारी चीज़ मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। इंस्पेक्टर बड़ापुर और उनकी टीम ने इसकी खोजबीन की और हमने डॉग स्क्वाड का और फॉरेंसिक टीम का भी सहारा लिया, तो इसमें कुछ इस तरह की कहानी बात प्रकाश में आई कि ये बच्चा जो है वो जो शमीम अहमद थे उनका गोद लिया हुआ बच्चा था और इनके परिवार में 4 भाई थे, जिसमें 2 की संतान नहीं थी और 1 को 2 बेटे थे और 1 को 2 बेटियां थीं। तो इनके पास करीब करीब 38 बीघा ज़मीन थी, जिसका जो है वो बंटवारा ना हो सके, इस वजह से इनकी जो मतलब छोटी बहू थी यानी इनके छोटे भाई की वाइफ, उसने जो है गांव की 2 युवतियों के साथ जिनका नाम गुड्डू और रोशन था उनको 50,000 रुपये का लालच दिया कि तुम इस बच्चे का अपहरण कर लो और इसको मार दिया जाएगा, तो जो और तो पैसा मैं बाद में भी दूंगी और 50,000 रुपये पहले भी देने का वादा किया। 5 तारीख को ही जो गुड्डू और रोशन है इन्होंने जो है उस बच्चे को बुला लिया, क्योंकि वो पहले से भी वहाँ जाया करता था, और उसके बाद उस बच्चे को ले जाके इन चारों लोगों ने अपने घर में ही मार दिया और मारने के बाद जब ज़्यादा तलाश हुई तो चुपचाप ले जाके इसको जंगल में फेंका है। इस पूरी टीम जो पुलिस टीम थी उसने काफ़ी मेहनत का काम किया और इस केस को अनावरण करने में, इसमें साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा जो हमारे पुलिस लाइन बिजनौर का उड़ान नाम का जो हमारा डॉग स्क्वाड है उसने भी बहुत मदद की और जैसे ही वो डेड बॉडी का स्थान जो उसने उसको वहाँ पर वो किया गया तो उसने तत्काल जो है सबसे पहले जो है वो जो दोनों युवतियों ने उसकी हत्या की थी उनके ही घर में जाके उसने उसको कैच किया और इसी से तफ्तीश आगे बढ़ी। बाद में सर्विलांस और मुखबिरी का सहारा लेकर इस पूरी घटना का पर्दाफाश किया। हमारे SSP जो बिजनौर हैं इन्होंने इस पूरी टीम को जो है 10,000 रुपये इनाम भी देने की घोषणा की और साथ ही जो हमारा डॉग स्क्वाड है उसको अलग से भी पुरस्कृत करने की घोषणा की। ये थी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शाहिद जैदी की रिपोर्ट। आप देखते रहिए भारत।